दोस्तों मैं आजम शहाब और आप देख रहे हैं एनबीएन। आठ अगस्त को शाम 8 बजे प्रधान सेवक ने देश के नाम अपने संबोधन में कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने का जो कारण बताया उससे देशवासी ये सोचने लग गए कि अगर कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A ना निरस्त किया गया होता तो जम्मू कश्मीर तबाह हो जाता, क्योंकि वहां केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं हो पाती थी जिसके कारण कश्मीर देश के अन्य राज्यों के तुलना में पिछड़ गया था। जबकि सच्चाई यह है कि कश्मीर विकास और डेवलपमेंट के संदर्भ में देश के कई तथाकथित संपन्न राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम व अन्य राज्यों से कहीं आगे है। हम कश्मीर की वास्तविक स्थिति के कुछ आंकड़े यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आर्टिकल 370 कश्मीर के विकास में कोई बाधा नहीं था बल्कि उसके विपरीत वह तेजी से विकास कर रहा था। सबसे पहले हम जीडीपी पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं। जीडीपी पर कैपिटल इनकम के हिसाब से जम्मू कश्मीर देश के 33 राज्यों में से 24वीं नंबर पर है। देखिए यह चार्ट, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश व बिहार जम्मू कश्मीर से पीछे हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों को आर्टिकल 371 के अनुसार विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ यह बात भी ज्ञात रहे कि जीडीपी पर कैपिटल इनकम के अनुसार किसी भी देश या राज्य के डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है। जीडीपी पर कैपिटल इनकम में राज्यों की स्थिति का पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है बल्कि यह आप अपने मोबाइल व कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो आम लोगों की गरीबी को नापने का अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, इसके अनुसार देश के 36 राज्यों जिनमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं उनमें जम्मू कश्मीर 15वें नंबर पर है, जबकि उत्तर प्रदेश व गुजरात जम्मू कश्मीर से बहुत पीछे हैं। इसी के साथ मानव विकास और स्वास्थ्य के मामले में भी कश्मीर, उत्तर प्रदेश व गुजरात व देश के अन्य राज्यों से कहीं बेहतर पोजिशन में है। आइए हम जरा पहले जम्मू कश्मीर और गुजरात की तुलना करते हैं। ये आंकड़े देखिए जो फोर्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे पर आधारित है। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी कि जन्म के अनुसार जीवन का दर गुजरात में 69 है तो जम्मू कश्मीर में 74 है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट यानी कि 5 साल की आयु के अंदर मृत्यु की दर गुजरात में 33 है तो जम्मू कश्मीर में 26 है। टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर वुमन यानी एक महिला के दो से ज्यादा बच्चे गुजरात में 2.2 है तो जम्मू कश्मीर में 1.7 है। परसेंट ऑफ गर्ल्स एजेड 15 एंड 19 विथ 8 इयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि 15 से 19 साल की 8 साल तक स्कूल जाने वाली लड़कियां गुजरात में 75% है तो जम्मू कश्मीर में यह 87% है। अंडरवेट चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के कम वजन के आंकड़े गुजरात में 39% है तो जम्मू कश्मीर में यह केवल 17% है। अडल्ट वुमन विथ लो BMI यानी कि महिलाओं का शारीरिक दुबलापन गुजरात में 27% है तो जम्मू कश्मीर में केवल 12%। बच्चों के टोटल टीकाकरण का परसेंट गुजरात में 50% है तो जम्मू कश्मीर में 75%। परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले देहात के लोगों का परसेंट गुजरात में 22 है तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 12 है। वेजेस ऑफ मेल रूरल लेबर्स 2011-2012 यानी कि 2011-2012 में देहाती मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी गुजरात में 116 रुपए थी तो जम्मू कश्मीर में ये 209 रुपए थी। ये तो रहा प्रधान सेवक और गृह मंत्री अमित शाह के राज्य का जम्मू कश्मीर से तुलना। अब आइए देश और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तुलना में जम्मू कश्मीर को देखते हैं। यह आंकड़े सबरंग ने अपने पोर्टल पर NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार पब्लिश किए हैं। सबसे पहले बच्चों में कुपोषण का स्तर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में बच्चों के कुपोषण का परसेंट 16.6% है तो उत्तर प्रदेश में यह परसेंट 39.5% है और देश स्तर पर यह 35.8% है। शिशु मृत्यु दर जम्मू कश्मीर में 1000 बच्चों पर 32 है तो उत्तर प्रदेश में यह 1000 पर 64 है और देश लेवल पर यह 1000 पर 41 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जम्मू कश्मीर में 1000 पर 38 है तो उत्तर प्रदेश में 1000 पर 78 है तो देश स्तर पर यह 1000 पर 50 है। फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूकता
जम्मू कश्मीर में 57.3% है, तो उत्तर प्रदेश में यह 45.5% है और पूरे देश में यह 53.5% है। टीनेज प्रेगनेंसी 15 to 19 years, यानी कि 15 से 19 साल की उम्र में गर्भावस्था की दर जम्मू कश्मीर में 2.9% है, तो उत्तर प्रदेश में यह 3.8% है और संपूर्ण भारत में यह दर 7.9% है। महिलाओं की गर्भावस्था में देखभाल का परसेंट जम्मू कश्मीर में 81.4% है, तो उत्तर प्रदेश में यह दर 26.4% है। फुल इम्यूनाइजेशन यानी कि टोटल टीकाकरण जम्मू कश्मीर में 75.1% है, उत्तर प्रदेश में 51.1% है, तो संपूर्ण भारत में यह 62% है। महिलाओं पर पतियों द्वारा हिंसा की दर जम्मू कश्मीर में 9.4% है, तो उत्तर प्रदेश में यह दर 36.7% है और पूरे भारत में यह 31.1% है। वायलेंस यानी कि औरतों पर आम हिंसा जम्मू कश्मीर में 14% है, उत्तर प्रदेश में यह 38% है और पूरे भारत में यह 33% है। इन आंकड़ों और सच्चाइयों के बावजूद प्रधान सेवक व शाह जी की ओर से देश को यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का विकास और डेवलपमेंट अनुच्छेद 370 के कारण रुका हुआ था, जबकि ये आंकड़े सरकारी वेबसाइटों पर ही उपलब्ध हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर प्रधान सेवक को यह सच्चाइयां छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका उत्तर उनके वोट बैंक में छुपा हुआ है। जैसा कि भूतपूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 मुस्लिम बाहुल राज्य के कारण हटाया गया है, ताकि इसके द्वारा देश के सामने मुसलमानों को नीचा दिखाने का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके और बीजेपी के वोटरों को लामबंद किया जा सके। इसके द्वारा यह भी कहा जा सकता है कि यह देश की गिरती अर्थव्यवस्था से देशवासियों का ध्यान भटकाने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है, क्योंकि देश की आर्थिक अवस्था आज ऐसी कगार पर पहुंच चुकी है कि जो बेरोजगारी और महंगाई को और अधिक बढ़ा देगी, जिसे रोकना सरकार के बस से बाहर है, क्योंकि सरकार इसमें सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।